देखिए ये हमारे सर जो क्लीन करने का यहाँ ही करेंगे। हट जाओ सुनो सर। ये हमारे अमरजीत सर जो यहाँ पे रमना मैदान में स्थित हुए हैं और ये पार्क का साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। तो अमरजीत सर पूरा साफ सफाई करने में लगा है। अमरजीत सर के हाथ में ग्लव्स नहीं है, जो फिरोज सर से मांगिएगा। सर ग्लव्स दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सफाई अभियान में निकले हैं और हमारे फ्रेंड्स लोग जितने भी हैं सब लोग पूरे गलियों गलियों में घूमकर सफाई अभियान का ऐलान करेंगे। और मैं पब्लिक लोग को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो है कि पूरे गांव में गली गली में जो है कि सफाई रखना चाहिए और हमारे भारत को साफ सुथरा रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लीन करने सेंटर से गांधी मैदान जा रहे हैं। सब अपने रामना मैदान जा रहे हैं और हमारे स्टूडेंट लोग हैं जो कि बहुत जोश आक्रोश में अपना तैयारी के साथ हमारे कदम से कदम मिला के बढ़ रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग रमना मैदान पहुंच चुके हैं और हमारे कैंडिडेट यहीं पर कुछ साफ सफाई करके और हमारे समाज को मैसेज देना चाहते हैं। लोटा बोतल बंद करो, लोटा बोतल बंद करो, शौचालय का प्रबंध करो। हाँ फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग रमना मैदान पहुंच चुके हैं और हम लोग यहाँ पर साफ सफाई करेंगे। ग्रीन इंडिया यहाँ पर हम शहजाद एम डी शहजाद के सर और हम लोग यहाँ लोटा बोतल बंद करो, शौचालय का प्रबंध करो। फ्रेंड, हम लोग डी डी यू जी के वाई प्रोजेक्ट के तरफ से यहाँ पे आए हैं रमना पार्क में और आज यहाँ पे स्वच्छता अभियान की तरफ से हम लोग आए हैं और ये हमारे रफीक सर, कुछ बोलिए सर। हेलो, आज हम लोग रमना मैदान आए हैं और मैं लोगों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो है कि भारत को स्वच्छ रखना है। क्लीन इंडिया मिल रहा है, हाथ में ग्लव्स लगाने के लिए मिल रहा है, हाथ में ग्लव्स लगाने के लिए मिल रहा है, इसको फाड़ के हाथ में हम लोग लगाएंगे। और ये देखिए, ये यहाँ पे ग्लव्स मिला है क्योंकि साफ सफाई करने में ये हाथ में जो भी फ्रैक्चर होता है, ये हमारे ग्लव्स है और ये हाथ में लगेंगे और इसके बाद सफाई होगा, साफ सफाई करेंगे। और ये रहा ये रमना मैदान, ग्लव्स है बहुत कीमती, ये जापान से आया हुआ हैंड ग्लव्स है, ये चाइना से बन के स्पेशल आए हुए हैं हाथ में लगाने के लिए। इसको हाथ में लगाते हैं एनर्जी मिलता है, पावर मिलता है, जिससे कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है और शक्ति हो जाता है। साफ सफाई करना है कि मिला। और हमारे फिरोज सर सबको ग्लव्स दे रहे हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, मतलब ये ग्लव्स है, ये ग्लव्स ये यही पहन के सफाई करना है, सफाई होगा, ये ग्लव्स चाइना से आया हुआ है। और हमारे रंजन सर ये सफाई अभियान में पहला कदम उठाते हुए इन्होंने झाड़ू को उठाया और साफ करना स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते होंगे कि सफाई कितना हमारे लिए जरूरी है। और ये हमारे रंजन सर इससे मैसेज देना चाहते हैं। और गीता मैडम ये हॉस्टल के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है जो ये सफाई करके हमारे समाज को ये मैसेज देना चाहती है कि सफाई में ही जिंदगी है। और फिरोज सर ने फिर झाड़ू को उठा लिया है और इस झाड़ू से वो भी आज समाज को एक आईना दिखाना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि फिरोज सर हमारे एफएनबी के ट्रेनर है और डीडीयू जी के वाई एफएनबी के ट्रेनर है। और देखिए आज रमना मैदान को ये साफ करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने आस पड़ोस को किस तरह से सफाई रखना चाहिए।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमारे सारे लोग ये साफ सफाई करके थक गए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में अपना। सर सर लग रहा है।